नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद गोस्वामी और मेरे साथ हैं राहुल शर्मा जी अगेन। और फिर से हम लोग चाकू पे एक ट्यूटोरियल करने वाले हैं जो कि आपातकालीन स्थिति से आपको निकालेगा। हमने बेसिक लेवल पे चाकू की कुछ अटैक सीखे जो बहुत ज़्यादा होते हैं, अब दूसरे लेवल पे क्या किस तरह के अटैक होते हैं देखते हैं और उससे कैसे बचना सीखते हैं। राहुल जी रिपोर्ट क्यों लाए मिले चाकू के लिए? अब थोड़ा ऊपर बात करते हैं, ऊपर कैसे अगर बात करें तो क्रॉस में चलता है। क्रॉस अगर कोई भी अटैक कर रहा है तो वो क्रॉस में इस तरीके से अटैक करते हैं। ओके, जब इस तरह के अटैक्स हो तो आप इस तरह से खड़े एक तरह के पीछे आप बिल्कुल मूव करने के कंफर्टेबल होते हैं। अगर आपके पैर से नहीं है और कोई चाकू मारता है मारो और पीछे हटते तो गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि इसमें आप अगर पैर ज़्यादा से लगा तो पीछे गिरेंगे। इसमें आपके पास ऑप्शन रहता है पीछे झुकने का, पूरा वेट शिफ्ट करने का, इधर 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 इधर, ठीक है। तो जिस तरह ऑपोनेंट हो उसके आगे एक पैर रखें और एक पैर पीछे रखें जिससे आप कंफर्टेबल फील करें। देन भाई आप पीछे हट सकते हो, आप पीछे हट सकते हो, अपनी गर्दन बचा सकते हो, अपना शरीर बचा सकते हो, पीछे आगे हट सकते हो। ये मूव करना बहुत जरूरी है। चलिए आगे समझते हैं भाई। जब अटैक उस साइड से आ रहा भाई, पहली बार बच गए, दूसरी बार ब्लॉक किया, कहाँ ब्लॉक किया? रिस्ट के पास ब्लॉक किया, घुस कर ब्लॉक किया, ठीक है। घुस गया अंदर, आगे पीछे हटने का चांस कम, घुस गया अगर गलती से मुझे लग भी जाता तो चाकू गर्दन के पीछे होगा, लगभग यहाँ होता तो मुझे लग रहा है कि चोट ठीक है भाई। वन टू राइट और ग्रिप और प्रेस। अब ये मेरे कब्जे में, मैं इनके ऊपर तुरंत कमांड ले सकता हूँ और चाकू को छोड़ेंगे और मैं सिचुएशन से निकल जाऊँगा, ठीक है। इसी में सिचुएशन टू भाई, वन टू और मैं घुस गया अंदर, अगर गलती से छूट भी गया तो लगेगा क्या मुझे? चाकू तो नहीं लगने वाला, तो मैंने सुविधा अभी घुस गया अंदर और इसके बाद मैं इनका मुंह तोड़ सकता हूँ, मैं इनका हाथ दांत पे भी तोड़ सकता हूँ जिससे ये चाकू इजीली छोड़ दे, छोड़ दी राइट, ठीक है। और मैं सिचुएशन से निकल जाऊँगा। क्योंकि तो ट्रिक सी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताइए, और कमेंट्स में लिखते वक्त इनके बारे में भी लिखिएगा कि आप इन्हें जानते हैं। ये TVS के लिए ऐड करते हैं, बहुत बड़े बड़े ऐड से, छोटे बड़े ऐड से ऑल ओवर वर्ल्ड जा जाकर स्टंट करते हैं। इनके स्टंट क्या करते हैं नीचे लिखते रहिए और इनको भी फॉलो करते रहिए, लिंक दिया हुआ हर चीज़ का। बोलते हैं राहुल जी शो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप आते हैं मुझे बहुत आनंद होती है। और इस तरीके से देखते रहिए, मतलब जैसे कि चाकू इस्तेमाल नहीं करना, अच्छा लगता है इस तरह के लोग, ठीक है। बोलते हैं हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं, आप भी कमेंट करिए।